brought to you by Infinix. ये कमरा देख रहे हो, ये लल्लन टॉप का न्यूज रूम है और इस न्यूज रूम को तुम्हारी जरूरत है। तो ये जो कोना है, यहाँ पे अभिषेक बैठे हुए हैं, ये दुनियादारी के चीफ प्रोड्यूसर हैं। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। वो साजिद हैं, वो डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर हैं। ऐसा कोई पद है क्या? हम लोग दुनियादारी की टीम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई की है, JNU, जामिया या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी रुचि है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। बहुत मजा आएगी काम करने में, क्योंकि दुनियादारी का हो रहा है विस्तार। फटाक से भेजिए अपना CV, और वो कट कॉपी पेस्ट वाला CV मत भेजना, उसको तुरंत रिसाइकल बिन में डाल दिया जाता है। डस्टबिन बोलते हैं उसको कंप्यूटर का। हाँ, ईमेल आईडी है दुनियादारी DUNIYADARI dunyadari@lalantop.com। अपना CV भेजिए, आप जिन विषयों में दिलचस्पी रखते हैं उनके बारे में बताइए। हमारे पास वैकेंसी है एंकर की, हमारे पास वैकेंसी है रिपोर्टर की। सोच रहे हो अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, अफ्रीका जाओगे या जाओगी और दुनिया जहाँ की चीज़ें बताओगी अपनी हिंदुस्तान की जनता को? फटाक से CV भेजिए और एक मिनट का वीडियो ज़रूर बनाना है और जिसमें आपको बताना है कि क्यों आप इस काम के लिए बेस्ट एम बेस्ट कैंडिडेट हैं। तो आइए, दुनियादारी में आपका स्वागत है, लल्लन टॉप में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर 1962 की तारीख को अक्सर दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक दिन माना जाता है। वो दिन जब अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे, जब परमाणु बम का बटन दबते दबते रह गया। क्या हुआ था अक्टूबर 1962 में? सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया था, गुपचुप तरीके से सप्लाई भी शुरू हो गई थी। क्यूबा अमेरिका की सीमा के पास स्थित है, वहाँ फिदेल कास्त्रो की सरकार थी, कास्त्रो कम्युनिस्ट थे और सोवियत संघ के खास दोस्त भी। क्यूबा को पुरानी दुश्मनी का बदला भी लेना था, इसलिए उसने सोवियत संघ की मिसाइलों के लिए अपनी ज़मीन दे दी थी। कई दिनों तक अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। तभी उसका एक टोही हवाई जहाज़ क्यूबा के ऊपर से उड़ा। संयोग से उसके कैमरे में मिसाइल फैसिलिटी की तस्वीरें आ गईं और फिर पता चला कि सोवियत संघ 20 जहाज़ों में मिसाइल भरकर भेज रहा है। इसके बाद जदोजहद शुरू हुई सोवियत संघ को रोकने की। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पास 4 विकल्प थे: सर्जिकल स्ट्राइक, क्यूबा पर हमला, कूटनीतिक दबाव और ब्लॉकेड। कैनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी का फैसला किया। उसने अपने नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां समंदर में जमा कर ली। इसके कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कैनेडी ने हमले की धमकी दी। अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भी तैयार कर ली थी, लेकिन फिर सोवियत संघ के लीडर निकिता खुश्चेव ने अपने जहाज़ों को वापस बुला लिया, मगर तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। 27 अक्टूबर को क्यूबा के ऊपर एक अमेरिकी जेट को शूट कर दिया गया। इसके चलते युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच गया, मगर अंतिम समय पर कैनेडी और क्रुश्चेव ने संयम का परिचय दिया और वो पीछे हट गए। इस घटना को इतिहास में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। 51 बरस बाद एक बार फिर क्यूबा अमेरिका की चिंता का कारण बन गया है। इस बार दूसरे किनारे पर अमेरिका का नया दुश्मन है चीन। खबर है कि चीन क्यूबा में स्पाई स्टेशन बना रहा है, डील भी हो गई है, इसके जरिए अमेरिका पर नज़र रखी जाएगी। क्यूबा और अमेरिका दोनों ने इससे इनकार किया है, चीन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये दावा निराधार तो कतई नहीं है। चीन ने जैसे का तैसा जवाब देने का मन बना लिया है, ये अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। तो आज हम जानेंगे क्यूबा में चीनी स्पाई स्टेशन पर छपी रिपोर्ट में क्या है, स्पाई स्टेशन से अमेरिका को क्या खतरा है और ये रिपोर्ट चीन अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर डालेगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज की कहानी शुरू होती है एक रिपोर्ट से जिसने दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में हड़कंप मचा दिया है, जिसके कारण दो देशों को बयान जारी करना पड़ा। एक ने चुप्पी साध ली। कई लोग 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को यहाँ पर याद करने लगे, वो दौर जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। लेकिन कौन सी रिपोर्ट और कैसा खुलासा? 8 जून 2023 को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में वॉरेन स्ट्रॉबेल और गॉर्डन ल्यूबोल ने लिखा, क्यूबा टू होस्ट सीक्रेट चाइनीज स्पाई बेस फोकसिंग ऑन US, यानी क्यूबा में चीन का जासूसी बेस फोकस अमेरिका पर होगा। वॉरेन और गॉर्डन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दर्ज किया था,
चीन क्यूबा में अपना स्पाई स्टेशन बना रहा है। उनके बीच समझौता हो चुका है। इस स्पाई स्टेशन का इस्तेमाल अमेरिका के सैन्य अड्डों और दूसरे अहम ठिकानों पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। इसके बदले क्यूबा को हजारों करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। चीन क्यूबा के बीच हुई सीक्रेट डील के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पता है। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाली जानकारियां थी। मसलन, स्पाई स्टेशन में ऐसी मशीनें लगेंगी जिससे अमेरिका की ज़मीन पर ईमेल्स, फ़ोन कॉल, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर नज़र रखी जा सकेगी। जासूसी वाली पोस्ट अमेरिका के फ्लोरिडा से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इससे अमेरिका का पूरा दक्षिणी हिस्सा स्पाई स्टेशन के दायरे में आ जाएगा। इस हिस्से में अमेरिका के कई अहम सैन्य अड्डे हैं। क्यूबा के ग्वांतनामो बे में अमेरिका का अपना मिलिट्री बेस है। क्यूबा की नाराजगी के बावजूद उसने बेस छोड़ने से इनकार कर दिया था। अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल सिग्नल इंटेलिजेंस जुटाने के लिए करता है। स्पाई स्टेशन बनने के बाद इस बेस पर भी चीन की नज़र होगी। इससे दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पाई स्टेशन की मौजूदा स्थिति बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसकी लोकेशन क्या होगी। इसके कारण आशंका वाली स्थिति बनी हुई है। ये रिपोर्ट छपी तो हंगामा हुआ, अमेरिका में राजनीति शुरू हो गई। बाइडेन की पार्टी के कुछ सांसदों ने चिंता जताई। विपक्षी नेताओं ने इसको मुल्क की सुरक्षा का सवाल बना लिया। इसे बाइडेन सरकार की नाकामी के तौर पर पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति पद की दावेदारी करने वाली निकी हेली ने इसको हाथों हाथ लिया, ट्वीट किया। सिर्फ जून में चीन ने अमेरिका के एक फाइटर जेट और एक नौसैनिक जहाज की घेराबंदी की। अब वो क्यूबा में जासूसी का अड्डा तैयार कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्हें चीन की ग्रीन एनर्जी की नीतियों की अधिक चिंता है। उन्हें अब जाग जाना चाहिए। चीन का खतरा हमारे दरवाजे पर आ पहुंचा है। अमेरिका की संसद है कांग्रेस। इसके दो सदन हैं। निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऊपरी सदन सेनेट है। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ने बयान जारी कर चिंता जताई है। कहा यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। बाइडेन सरकार को इस खतरे से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट का खंडन किया। सुनिए। So I've seen that reporting. I can tell you based on the information that we have that is not accurate, that we are not aware of China and Cuba developing any type of spy station. Separately, I would say that the relationship that those two countries share is something that we continuously monitor. I would say that as you've heard us say many times, China's activities both in our hemisphere and around the world, any concerning activities are something that we will continue to watch closely. अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है लेकिन ये सही नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा उन्हें गलत लगा। ये जरूर बोले कि क्यूबा और चीन के संबंधों को लेकर हमारी चिंताएं हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे पर क्यूबा का बयान भी आया। सुनिए। El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó el 8 de junio una información totalmente mendaz e infundada, según la cual supuestamente existe un acuerdo entre Cuba y China en materia militar para la instalación de una supuesta base de espionaje. Calumnias de este tipo se han fabricado con frecuencia por funcionarios de los Estados Unidos, aparentemente familiarizados con información de inteligencia. चीन ने रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। कहा हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने भी खुफिया एजेंसियों के दो सोर्सेस से बात की। दोनों ने दावा किया कि डील तो हो गई है लेकिन अभी ज़मीन पर काम शुरू नहीं हुआ है। सरकारी बयानों में भले ही गंभीरता नहीं दिखती हो लेकिन जानकार कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है इस खुलासे को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसकी तीन बड़ी वजहें हैं। नंबर एक, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड। तीन घटनाओं पर यहाँ गौर कीजिए। अक्टूबर 2009, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ने रिपोर्ट दी कि चीन नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल भारत पर जासूसी के लिए कर रहा है। उसने बॉर्डर पर स्टडी सेंटर खोले हुए हैं जिसके जरिए खुफिया जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। अप्रैल 2017, चीन पर कंबोडिया में चुनाव आयोग, गृह और विदेश मंत्रालय से जुड़ी जानकारियाँ हैक करने का आरोप लगा। जनवरी 2021, इंडोनेशिया के मछुआरों को समंदर में अंडर वाटर ड्रोन्स मिले, इसके लिए भी चीन को जिम्मेदार ठहराया गया।
ये कुछ उदाहरण भर हैं। चीन और भी दूसरे तरीकों से दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में दखल देता रहा है। पिछले कुछ बरसों में इसकी संख्या बढ़ी है। मसलन यूरोप और अमेरिका में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चलाना हो, थिंक टैंक्स के जरिए दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करना हो, या पैसे या डेट ट्रैप के माध्यम से छोटे मोटे देशों को परेशान करना हो। जनवरी 2023 में अमेरिका ने चीन पर जासूसी बलून भेजने का आरोप लगाया था। चीन ने कहा था गुब्बारा हमारा ही है, इसको जासूसी के लिए नहीं बल्कि मौसम की जानकारी के लिए बनाया गया था, लेकिन गलती से उड़कर अमेरिका की तरफ चला गया। इस सफाई के बावजूद अमेरिका ने बलून को फाइटर जेट भेजकर गिरवा दिया था। इस पर चीन ने नाराजगी जताई थी। उसी समय विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन दौरा तय था, मगर उन्होंने पहले ही इसको रद्द कर दिया। जून में उनका एक और चीन दौरा तय हुआ था, मगर उससे पहले ही जासूसी स्टेशन वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। ब्लिंकन पर एक बार फिर से सख्त फैसला लेने का दबाव पड़ने लगा है। नंबर दो, क्यूबा अमेरिका संबंधों का इतिहास। क्यूबा कैरेबियन सागर में पड़ता है, अमेरिका के दक्षिण में। सबसे नज़दीकी स्टेट है फ्लोरिडा। क्यूबा की ज़मीन से उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इस दूरी को कम दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों से भी भेदा जा सकता है। इसके अलावा समुद्री बॉर्डर पर निगरानी रख पाना भी इतना आसान नहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने पड़ोस में अपने हित की सरकारों को समर्थन दिया। इसके लिए उसने हत्याओं से लेकर सैन्य तख्तापलट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। उसने क्यूबा में भी यही कोशिश की। क्यूबा में 1959 तक बटिस्टा की सरकार थी। बटिस्टा क्रूर था, तानाशाह था, मानवाधिकारों का उल्लंघन करता था, मगर वो अमेरिका के लिए फायदेमंद भी था, इसलिए उसे सपोर्ट मिलता रहा। फिर उसी साल क्यूबा में क्रांति हुई। फिदेल कास्त्रो की गुरिल्ला सेना ने बटिस्टा सरकार को उखाड़ फेंका। बटिस्टा भाग गए। कास्त्रो कम्युनिस्ट थे, उनका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। इससे अमेरिका को तगड़ा झटका लगा था। जो भी संपत्तियां अमेरिकन लोगों के हाथों में थी, उन्हें कास्त्रो ने नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने बटिस्टा समर्थकों को रास्ते से हटाना भी शुरू किया। जो अभी तक कास्त्रो की सरकार को पलटने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इनमें से अधिकतर अमेरिका पहुंचे। CIA ने इन्हें जमा किया, ट्रेनिंग दी और उन्हें विद्रोह करने के लिए तैयार किया। इस गुट का नाम रखा गया ब्रिगेड 2506। इसका काम क्यूबा में घुसकर कास्त्रो की सरकार गिराना था। अप्रैल 1961 में इस ब्रिगेड को क्यूबा के बे ऑफ पिक्स में उतारा गया। इन्होंने सरप्राइज अटैक कर शुरुआती बढ़त बना ली, लेकिन जल्द ही कास्त्रो की सेना ने उन्हें पस्त कर दिया। ब्रिगेड के 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा अरेस्ट हुए। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए जहां से वापस आना नामुमकिन था, और इसी का बदला लेने के लिए कास्त्रो ने सोवियत संघ को मिसाइल तैनात करने के लिए अपनी जमीन दी थी। इसकी कहानी हम शुरुआत में आपको सुना चुके हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद रिश्ते और बिगड़े। अमेरिका ने क्यूबा को आतंकियों को पैसा खिलाने का आरोप लगाया, आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, क्यूबा को अलग थलग कर दिया गया। CIA ने कई दफा फिदेल कास्त्रो को मारने की कोशिश भी की, इसने भी तनाव बढ़ाया। फिर 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में रिश्ता सुधारने का प्रयास शुरू हुआ, कई प्रतिबंध हटाए गए। उस साल दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास शुरू किया। मार्च 2016 में ओबामा क्यूबा के आधिकारिक दौरे पर गए। जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने प्रतिबंधों को दोबारा लागू कर दिया। कोविड के समय क्यूबा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा, हालांकि बाद में उसने खुद की वैक्सीन डेवलप कर ली। जनवरी 2021 में जो बाइडन राष्ट्रपति बने, उन्होंने रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी दोनों देशों पर पुराना इतिहास हावी है। ये इतिहास उन्हें एक दूसरे को शक की नज़र से देखने के लिए बाध्य करता है। और तीसरी वजह जुड़ी है चीन की मंशा से। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने विस्तारवाद की नीति पर बढ़ चढ़ कर काम किया है। साउथ चाइना सी से लेकर साउथ अमेरिका तक उसने अपना वर्चस्व बढ़ाया है। उसने साउथ अमेरिका के कई देशों को ताइवान की मान्यता खत्म करने के लिए तैयार किया है। साउथ चाइना सी में उसने कई बार अमेरिका के टोही विमानों और जहाज़ों की घेराबंदी की है। कई बार सीधे टकराव की स्थिति भी पैदा हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन आइलैंड्स में उसने मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल विदेश में उसका इकलौता मिलिट्री बेस जिबूती में है। हालांकि म्यांमार और फिलीपींस में गुप्त तरीके से सेना की तैनाती की रिपोर्ट्स भी आई हैं। इसके अलावा ताइवान को लेकर दोनों देश उलझते रहते हैं। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। अमेरिका ने कहा है अगर हमला हुआ तो वो जवाब देगा। इन कोशिशों में चीन हर बार अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिकी प्रभुत्व के लिए चुनौती बनकर उभरता है। क्यूबा में स्पाई स्टेशन बनाने की रिपोर्ट्स के बीच ये घटना एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगी उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।